आजकल ये बच्चे 9 बजे उठ रहे हैं, स्कूल बंद है अभी इसीलिए, और जब स्कूल चालू होगा तब क्या हाल होगा इनका। आज तो जल्दी उठ गए, वरना चिल्ला चिल्ला के 10-10:30 के पहले नहीं उठने वाली। कभी कभी मैं 7-8 बजे के अंदर उठ जाती हूँ। एक दिन उठी थी 7 बजे टाइम टेबल बना के, दूसरे दिन से फ्लैट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरा मॉर्निंग का जो भी रूटीन था, घर का काम सब हो गया, मैं नहाने जाने वाली थी तो थोड़ा मोबाइल देखने बैठ गई। जैसे मॉर्निंग में हम चेक करते हैं ना सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हम जो यूज करते हैं वो सब, तो बस थोड़ा देख रही थी। अब जाऊँगी नहाने एंड मुझे एक जूता भी धोना है मेरा, तो देखते हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है एकदम से। जूता धुला धुलाया था लेकिन उसको मैंने पैक करके नहीं रखा था, तो कभी कभार जैसे कहीं आना जाना है तो उसको यूज़ करना पड़ता था इसीलिए। तो कहीं तो ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ, एक दो बार ही पहना, बट अभी धोना पड़ेगा, पूरा डस्ट भर गया है उसमें। मेरे कमर में बिल्कुल भी आराम नहीं है, देख इसीलिए खाली पोछा और अंदर में झाड़ू वगैरह लगाए हूँ। चाय चढ़ा के नहाने जाऊँगी मैं, बहुत ठंड लग रही है, ठंडे पानी से नहाना भी पड़ेगा अभी। मेरे पैर पूरे बर्फ हो गए, मुझे इसलिए जूते की याद आ रही है आज, वरना वहाँ पर लेडीज लोग अभी आग जला कर बैठी हैं। सही में एकदम से बहुत ठंड पड़ रही है, और ये क्या है ना जंगल एरिया, मतलब इधर जंगल इधर जंगल, बीच में कॉलोनी है तो कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है यहाँ पे। सब लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि खुला एरिया है ना पूरा, बस की तरफ जाइएगा तो इतना खुला नहीं है, तो वहाँ ठंड भी मतलब लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना हम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे थोड़ा भी, मतलब इतना ज़्यादा झंझोड़ देता है पूरा। और सबके यहाँ ऊपर टीन है, टीन में तो और ज़ोरदार ठंड लगती है, मैंने तो खुद बिताया है। अभी 1 साल हुआ है, गए साल दिवाली में आई थी, नहीं तो पहले मैं अभी उधर कॉलोनी में ही रहती थी, मतलब ये भी कॉलोनी में अभी जाऊँ वो भी कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पर रहती तो एक रूम और एक किचन बस हो गया, उतने में ही गुजारा करना पड़ता था। यहाँ पर तो 3 रूम है तो हो जाता था, उतने में भी मैनेज हो जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। ज़रूरत के हिसाब से इंसान अपने आप को मतलब ढाल लेता है, मैनेज कर लेता है हर चीज़ में, जहाँ तक मेरा मानना है। हितिका उठना है कि 8 बज गया है ना? हितिका पापा को फोन करूं? देखिए कैसे कर रहे हैं आपको, बंद चालू बंद चालू। हो गया। टीका सो नहीं पाई, उसके पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, सोई 11 बजे, फिर इधर 2:30 बजे उठ के बोल रही है कि पैर दर्द हो रहा है, स्प्रे वगैरह मार दी थी तो नींद आ गया उसको, फिर बाद में उठ के बोल रही है कि फिर दर्द हो रहा है, तो उस टाइम उसको गोली दे खा के सो गई। अभी देखिए मैं नहा के आ गई, 1/2 घंटा हो गया। हितिका को देखिए कहाँ है, ये देखिए, वो देखिए। उठोगे कि नहीं बेटा? 8:30 हो रहा है, पापा आके फिर चिल्लाएंगे। उठ रहे हो कि नहीं तुम? 8:30 हो गया, कितने टाइम उठोगे ये बताओ। हितिका सुनाई दे रहा है कि? मारू थप्पड़, उठा। मैं तो खा रही हूँ चाय बैठ, और देखिए अभी तक सो रही है, मैं बहुत चिल्ला ली, उठ नहीं रही है, अब मैं नहीं उठाने वाली हूँ। पापा ही उठाएंगे तुमको आके, देखो सुबह से जो चिल्लाने के लिए लगाते हैं, स्टार्ट होता है उठाने से, दिन भर उसके पीछे चिल्लाते रहो, पता नहीं क्या होने वाला है आजकल की जनरेशन का, स्कूल बंद पढ़ाई बंद।
बाद में मिलते हैं। जब से यार कुछ ऐसे ही होता है तब ही आप स्टार्ट करने रहते हैं ना। नौ बजे उठी है, अभी 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रही है। देखिए ब्रंच है ये। अच्छा क्या खा रहे हो? क्या? अंडा ब्रेड पसंद है तुमको? कितने दिन से खा रहे हो? रोज 3 दिन नहीं, रविवार 2 दिन हो रहा है आज। 2 दिन से कंटिन्यू खा रही है हितिका। अरे ये बहुत गलत आदत है। अभी तो रिमोट लेके तुम वहां बैठे थे, वहां से डांटी हूँ तो तुम यहाँ पे फिर रिमोट लेके बैठ गए। खाना खाते हो, खाने पे ध्यान दिया करो ना कि इधर उधर। क्या कर रहे हो? टीवी चालू है उधर। पढ़ाई के टाइम में तुमको सब कुछ याद आता है क्या? क्या कर रहे हो? पढ़ाई हो गई? क्या क्या पढ़ाई किए? म्यूट करो। क्या क्या पढ़ाई किए? मैं पढ़ा हैंडराइटिंग किया। कितना पेज? इंग्लिश हिंदी का 1-1 पेज। हो गया उतने में? नहीं तो। और क्या किया? टेबल लिखा। कहाँ तक? पूरा 20 तक। इतने में हो जाएगा आपका पढ़ाई? हम्म। अभी अभी शाम को मैथ करूँगा, फिर से टेबल लिखूंगा, फिर रीडिंग करूँगा। अच्छा बन गया है फ्रेंड्स। ये देखिए चावल हो रहा है एंड ये रही सब्जी, एग करी एंड मैं जस्ट फेस वॉश कर लिया, मैं वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड लिप बम लगा लिया क्योंकि अभी विंटर आ गया तो हम ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। खाना बनाने के बाद तो फेस धोना ही धोना है क्योंकि फेस बहुत ऑयली हो जाता है एंड फेस वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लिप बम जरूरी लगाना है। मैंने अभी जस्ट रील्स बनाया है फ्री होके 2-4 तो अभी मैंने इंस्टा पे उसे पोस्ट किया है। मैं सिर्फ एक बना पाई, मेरे को सॉन्ग नहीं मिल रहा था। हितिका भी बना रही है इधर, उसको सॉन्ग नहीं मिल रहा है कि मैं किस सॉन्ग पे बनाऊं। हाँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बना पाई। तो अगर आपको हितिका के वीडियोस देखना है तो उसका आईडी है इंस्टा आईडी हितिका सरकार, और आपको हितिका की मम्मी के वीडियोस देखने हैं तो उनका आईडी है, मतलब मेरा आईडी है मिसेस प्रिया जी, वेरी इजी मेरा नाम मिसेस एनजी। तो मस्ट फॉलो एंड वॉच अवर रील्स। वीडियो बोल में ना तुम्हारी जगह डर, हमारी जगह बच्चा दे रही थी खोली हो जाएगा ना। देखो तुम्हें फोटो ही तो पूछते बच्चों को सुनने छोड़ो, बच्चा मुझे लगती थी अब बोलो आप कहाँ जा रहे हो? रुको जल्दी आ, तो क्या बोले क्या बोले? हाँ इधर आ, तो इधर देख। हम सबका खाना होंगे लेकिन हितिका टीवी देख रही है और उसका खाना देखो। तो दिवाली के कुछ ये जो बूंदी के लड्डू बचे थे तो उसको मैंने बढ़िया सा मैश करके इसको गरम कर लूंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, खाने में काफ़ी टेस्टी लगेंगे, वरना फ्रिज में रखे रखे पूरे हार्ड हो गए एंड खाने में कोई टेस्ट नहीं आ रहा। तो बस ये देखिए हो गए। मैं थोड़ी देर सोई और मेरे को उठा के ये खुद सो गए। मम्मी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं।
क्या फ्राई कर रही थी? नथिंग। कुछ नहीं। कुछ नहीं, कैसा आ जा रहा था? जाके देख लेते। फोन आया था, नोट ऐसे लिखा रहा था। फिर से कुछ नहीं बना है। अच्छा लग रहा है अभी। तुमको नहीं मिला? क्या है ये? क्या है आपका हाथ? क्या है पता नहीं, खा के देखो। बुंदी को क्या है? कैसा लगा? अच्छा। क्या है अब बताओ? बूंदी। बूंदी का लड्डू है, उसको मैश करी फिर गरम करी अच्छे से, और अभी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया, अच्छा लग रहा है खाने में। पापा क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन है और ब्रेड है, टुकड़ा उसका खत्म कर दिया ब्रेड। अरे मम्मी कपड़ा फोल्ड कर रही है, और मैं गर्म पानी पीऊंगी अभी। इतना देर से वीडियो बंद था और मैं बोलने जा रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हस्बैंड गए हैं मार्केट, और जो पानी बोतल वगैरह लेकर गए हैं उसको दुकान में छोड़ देंगे, एंड फिर मार्केट करके घर आएंगे, छोड़ के फिर जाएंगे दुकान। और हितिका को मैंने दिखाया जैसे वो बाहर खेल रही है बैडमिंटन, एंड मैंने मतलब मैं अभी जो आज मैंने दिन भर टूटा फूटा जो भी कुछ शूट किया है उसे मैं एडिट करके पोस्ट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।